आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है अ सेडेंटरी सी एनिमोन, ठीक है। सेडेंटरी मींस व्हिच कैन नॉट मूव, ठीक है। अ सेडेंटरी सी एनिमोन गेट अटैच्ड टू सेल लाइनिंग द हर्मिट ऑफ क्रैब, ठीक है। यानी कि हर्मिट क्रैब के सेल पे एक सी एनिमोन अटैच हो गया है, तो ये जो एसोसिएशन है ये कैसा है? ऑप्शन वन क्या रखा है? एक्टोपैरासाइटिज्म। ऑप्शन सेकंड इज सिम्बायसिस। ऑप्शन थर्ड इज कमेंसलिज्म एंड लास्ट ऑप्शन इज एमेंसलिज्म। देखो ये जो एग्जांपल है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो दोनों प्रेजेंट है उसमें से किसको बेनिफिट हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ दोनों ही बेनिफिट हो रहे हैं, दोनों को ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सी एनिमोन जो है अपना, उसको क्या मिलता है? उसको हर्मिट क्रैब के सेल पे मिल जाता है अपना, एक तरह से कह सकते हैं सरफेस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उसको क्या मिल गया, एक तरह से शेल्टर मिल गया, ठीक है, और स्पेस मिल गया, ठीक है, और वी कैन से एक सबस्ट्रेटम या सरफेस मिल गई जिसको वो अटैच करके इजीली ग्रो कर सकता है, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे जो अपना हर्मिट क्रैब होता है, ठीक है, तो सी एनिमोन, हर्मिट क्रैब ने तो ये सब प्रोवाइड कर दिया। सी एनिमोन क्या करेगा? ये हर्मिट क्रैब को प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे? जो अपना सी एनिमोन होता है उसके पास प्रेजेंट होते हैं नेमेटोसाइट्स, ठीक है। नेमेटोसाइट्स जो होते हैं ये क्या है, एक सिंगिंग सेल्स हैं, कह सकते हैं कि इसको जो अपने नाइडेरियंस होते हैं यानी कि सी एनिमोन जो होता है वो अपने लिए यूज करता है फॉर प्रोटेक्शन, लेकिन अब वो हर्मिट क्रैब के ऊपर ग्रो कर रहा है, यानी कि अब वो अपने नेमेटोसाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, हर्मिट क्रैब को भी, ठीक है। तो अब सी एनिमोन ने क्या प्रोवाइड कर दिया, प्रोटेक्शन, और हर्मिट क्रैब ने क्या प्रोवाइड कर दिया, सबस्ट्रेटम और वी कैन से सरफेस। दैट मींस इसमें हमारे दो ऑर्गेनिज्म थे ए और बी, और दोनों ही क्या हो रहे हैं, म्यूचुअली बेनिफिटेड हो रहे हैं। एक को सरफेस मिल गया, एक को प्रोटेक्शन मिल गई, ठीक है। अब आते हैं हम ऑप्शंस पे। यहाँ पे दे रखा है एक्टो पैरासिटिज्म। देखो एक्टो मींस ऐसा पैरासाइट जो ग्रो करेगा कहाँ पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे, और पैरासाइट मींस ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं तो एक तो बेनिफिट होगा और दूसरे को क्या होगा, हार्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही म्यूचुअली बेनिफिटेड है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड दे रखा है सिम्बायसिस। सिम्बायसिस वो रिलेशन है जहाँ पे अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं तो दोनों ही म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे। अब ये कंडीशन अपनी हमारे इस कंडीशन से मैच कर रही है, दैट मींस ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। कमेंसलिज्म पे इस कंडीशन में क्या होता है, अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो एक को तो बेनिफिट होता है, दूसरे को ना हार्म होता है ना बेनिफिट, दिस इज जीरो, तो उसको ना ही हार्म होगा ना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये रिलेशन भी ऐसा नहीं है। एमेंसलिज्म में क्या होता है, अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने तो एक को हार्म होता है और एक को ना ही हार्म होता है ना ही बेनिफिट होता है। तो हमने बस यहाँ पे ये नोटिस करना था कि अपना जो क्राइटेरिया हमने निकाला था यहाँ से, ठीक है, या कह सकते हैं जो अपने कंक्लूजन निकाला था हमने वो किससे मैच कर रहा है। तो हमारा जो कंक्लूजन ऑब्टेंड हुआ है वो इस ऑप्शन से मैच कर रहा है, यानी कि अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।